स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस मैराथन सेशन मेडिबल इंडियन हिस्ट्री यूपीएससी सीएससी पार्ट टू ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिल्ली सल्तनत एंड टुडेस क्लास हैज बीन टेकन फ्रॉम द पास्ट इयर्स प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर्स तो आज का जो लेक्चर है सोनली पीवाई क्यू है मतलब पीवाई क्यू में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वही आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंड यू नो कि इन पीवाई क्यूज दे आर रिसाइकिल्ड पीवाई क्यूज में हर साल क्वेश्चन रिसाइकल्ड होते हैं तो कम से कम पिछले दस साल के पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करके जाने ही है

जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तो आपको होगा कि कैसे पढ़ना है इस टॉपिक को कितना डीप जाना है ठीक है सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज यूपीएससी इफ यू सी इट इज नॉट अबाउट जस्ट हार्ड वर्क यूपीएससी इज नॉट अबाउट हार्डवर्क इट इज अबाउट स्मार्ट वर्क बिकॉज प्रिलिम्स मेन्स और इंटरव्यू जो है स्पेशली प्रिलिम्स स्टेज इज क्वालिफाइंग स्टेज इन दिस स्टेज स्मार्ट वर्क इज अप्लाइड यू 99%. आपको बस कट ऑफ उप से ऊपर जाना है क्वालिफाई करना है ताकि आप बैठकर अपने आइडियाज को लिख सको मेंस में है ना अपने नॉलेज को दिखा सको प्रदर्शित कर सको मेंस और इंटरव्यू में। मेन जो फोकस एरिया यूपीएससी का दैट इज मेन्स इंटरव्यू इज जस्ट अ डोरवे टू एंटर इन टू दिस प्रेपरेशन इस जर्नी में एंटर करने का इस प्रेपरेशन जर्नी में एंटर करने का दरवाजा ही है तो वो दरवाजा खोलना है वो दरवाजा आपको बिल्कुल ऐसे मुक्का लगा मुक्का मार के लात मार के ढक्का दे के नहीं खोलना चाबी लेनी है चाबी से दरवाजा अनलॉक करना है और पीवाई क्यूज इसकी चाबी है ठीक है आपको कोई इसमें से देखो आयरन का गेट है बट इसे लात मारोगे मुक्का मारोगे कुछ नहीं होगा टाइम वेस्ट होगा आपका और डिप्रेशन में जाओगे बट वही अगर मैं आपको चाबी पकड़ा दू तो कितना इजी होगा ना चाबी लगाई खोला और अंदर चले गए पी वाई क्यू की है और बहुत कम बच्चे ये समझते हैं है ना तो आज की क्लास में सेवनटीन स्टूडेंट्स आर देयर सो इफ आई यू नो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू तो मुझे गारंटी है इस बात की मुझे पूरा श्योरिटी है कि ये सेवनटीन एटीन बच्चे जो है ये इस चाबी को समझ जाएंगे और चाबी के साथ प्रिलिम्स में जाएंगे और एक बारी में दरवाजा खोलेंगे और अंदर घुस जाएंगे ठीक है तो पीवाई क्यूज द की एंड फॉर दैट हेज अ वेरी स्पेशल बुक फॉर ऑल ऑफ यू नाउ स्टूडेंट्स वे डू दे वेस्ट ऑफ टाइम वो क्या जाते हैं कि भैया है, जाकर गो टू बुक स्टोर्स दे विल परचेज पी वाई क्यूज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे प्रिंट अप, निकलवाएंगे अपने पास रखेंगे जाकर फिर उस, उसके लिए सोल्यूशंस भी चाहिए तो सोल्यूशन ऑनलाइन सर्च करेंगे यू डोंट हैस्ट गेट दिस बुक ये बुक आईआरएस द्वारा रिकमेंडेड है मेनी आईआरएस आईआरएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स हैव प्रूफ एडिटेड दिस बुक इसको अच्छे से पढ़ा है उन्होंने इसका गारंटी दिया आप फर्स्ट पेज खोलोगे तो उन्होंने अपना एक्नोलेजमेंट भी दिया है कि दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यूर लॉट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड एनालिसिस कि कैसे टॉप में से भी किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पिछले अट्ठाइस एंशियंट हिस्ट्री तो इस बुक में हिस्ट्री टॉपिक है और उसके अंदर Empire, Empire, इन इंदी सिविलाइजेशन मॉर्न एम्पायर गुप्ता एम्पायर वेदिक सिविलाइजेशन इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो सब इसके अंदर पीवाई क्यूज में अलोंग विद सोलूशन एंड सोल्यूशन में सिर्फ ऑप्शन नहीं दिए हुए है. पूरा एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग है ठीक है एंड द लिंक टू गेट दीज बुक्स जो लिंक्स हैं वो पीडीएफ में दिए हुए हैं मैंने प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हैं तो यू विल गेट द लिंक्स ऑफ द बुक आल्सो यू कैन क्लिक ऑन लिंक्स एंड गेट योर हैंड्स ऑन द बुक्स ठीक है तो इसमें यू हैव ओसवाल की वेबसाइट का जो मैं आपको लिंक दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे उसमें ट्वेंटी एट यूपीएससी का बुक है तो सी सैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड हि दो से सो दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यूर लॉट अगर आप इसको इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टू थाउजेंड करके जाओ 2024 चार बार कर लो इस बुक को बस चाबी आपके हाथ में होगी ठीक है एंड देन इफ यू आर 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर देन एनसीआरटी की भी बुक्स है यहाँ पर तो एनसीआरटी भी होली समराइज प्लस पीवाई क्यूजर देयर इन दीज बुक्स प्लस सी सैट के बुक्स हैं मॉक टेस्ट पेपर्स है पंद्रह मॉक टेस्ट पेपर्स एवरीथिंग इज एयर

कि हमारा आर्ट एंड कल्चर का संकल्प रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है सेवनटींथ अप्रैल से वैसे तो सिक्सटींथ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ठीक है कल से ही स्टार्ट हो रहा है नौ बजे आपकी ओरिएंटेशन क्लास होगी कल एंड परसों से बैच स्टार्ट हो जाएगा और ये सिक्स डेज का बैच है सिर्फ इट इज जस्ट फॉर रूपीज वन नाइनटी नाइन यू डोंट हैव टू टेक सेपरेट एन एकेडमी सब्सक्रिप्शन इसके लिए सो आई गिवन यू ऑन द टॉप ऑफ द चैट सेक्शन यू विल सी आई टू से इन दिस बैच तो सिर्फ वन नाइनटी नाइन का है जिसपे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा इफ यू यूज माई कोड अर्पिता टेन तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टाइमलाइन फॉर्मेट में कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन होगा यू कैन इनरोल बिकॉज कल से क्लास शुरू हो रही है है ना तो अगर आप आज एनरोल करते हैं तो कल रात को नौ बजे से आपके लेक्चर नाइनटी मिनट ईच के स्टार्ट होंगे नोट्स मेरे खुद के बनाए हैंडमेड क्रिएटिव चार्ट एंड नोट्स आपको मिलेंगे एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डेज का क्रैश कोर्स इवन इफ यू हैव नॉट कम्प्लीटेड आर्ट एंड कल्चर डोंट वरी दिस क्रैश कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट टू के स्टूडेंट हो इनरोल कर सकते हो तब तो बहुत ही बढ़िया है ट्वेंटी थ्री बिल्कुल कर सकते हो करंट अफेयर्स आर इंक्लूडेड एनसीआर आर इंक्लूडेड सीसीआर वेबसाइट आर इंक्लूडेड माइंड मैप्स के बेसिस पे

Uh, the Delhi आप सबके डाउट्स भी लिए जाएंगे हम बात करते हैं डेली सल्तनत की ठीक है डेली सल्तनत का जो पीरियड है द सल्तनत ऑफ डेली इट इज फ्रॉम वन टू जीरो सिक्स टू वन फाइव टू सिक्स एडी फिर तो आपका मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था आफ्टर फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स है ना फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स के बाद अपना मुगल एम्पायर आ गया था बिफोर दैट वी हैड दिस डेली सल्तनत पीरियड डिफरेंट काइंड ऑफ सल्तनत वर रूलिंग इन डेली

मेंस के लिए आपको इसका आर्ट एंड कल्चर पार्ट पढ़ना पड़ेगा बिकॉज मेंस में दस नंबर का क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड कल्चर पे आएगा जो हम अपने बैच में कवर करेंगे ठीक है डिटेल में

कितने बच्चे अपने नोट्स के साथ आते हैं कि भाई बैठ के नोट्स बनाने हैं क्लास में ठीक है बस बैठ के ऐसे सुनकर चले नहीं जाना सब लोगों के पास है चलो चलो स्टार्टिंग कर दो लिखने की स्टार्ट कर दो डेली सल्तनत हम सबसे पहले एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेंगे इस पीरियड का जो कि है वन टू, जीरो से, से नोट क्लास में अब शायद में बनाने का फायदा पता है क्या होता है फायदा ये होता है कि यू विल रिवाइज साइमल्टेनियसली आपको इंटरेस्ट आएगा बोर नहीं हो वरना हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि जब बैठ के ऐसे सुनते रहो ना तो बोर हो जाते हैं बट सल्तनत ओके एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ओवर 300 साल हो गए ठीक है इस पीरियड को रूल करते करते 300 साल हो गए थे फाइव डायनेस्टीज इमर्ज इस पीरियड में पांच तरीके की डायनेस्टीज निकलकर आई विच रूल्ड इन डेली मतलब मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वॉज डेली देवर रूलिंग सम पार्ट ऑफ इंडिया बट मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर डेली था डेली में बैठ के रूल कर रहे थे ठीक है सो फर्स्ट आपको सिखाऊंगी माइंड मैप कैसे बनाते हैं सो दैट इफ यूर टू थाउजेंड ट्वेंटी आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं नोट्स कैसे बनाऊँ तो मेरी क्लास में लिखाने का मतलब यही होता है पीछे मोटिव यही रहता है कि आपको नोट्स बनाने आ जाए ठीक है डेली संतन में पहला स्लेव डायनेस्टी आ जाती है फर्स्ट इज द स्लेव डायनेस्टी वाइट इज नोट स्लेव डायनेस्टी बिकॉज द रूलर वर स्लेव

खलजी डायनेस्टी अब आप बोलोगे मैम डू वी हैव टू रिमेंबर दीज इयर्स नो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज इयर्स बट यू शुड नो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फर्स्ट कौन सी आई सेकंड कौन सी आई थर्ड कौन सी आई समझ गए मेरी बात व्हेन यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट 28 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा लो कोई आपसे ईयर नहीं पूछेगा डायनेस्टी के बट आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए दे विल गिव यू नेम्स ऑफ फोर टू फाइव डायनेस्टीज दे विल आस्क यू अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ठीक है तो अगर आपको अरेंजमेंट आता है तो इजी रहेगा ठीक है सेकंड हो जाएगा खलजी डायनेस्टी आप इसको खिलजी भी बोल सकते हो खलजी भी बोल सकते हो अभिषेक उसकी टेंशन मत लो ठीक है कुछ लोग इसको खलीजी भी बोलते हैं तो हम खलजी डायनेस्टी लेकर चलते हैं ठीक है 1290 से सीई इसका टाइम पीरियड हो जाता है नाउ दिस इज सेकेंड ठीक है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना एस एंड देन के अब आता है थर्ड थर्ड वन इज नोन एज एस तुगलक डायनेस्टी थर्ड हो जाता है ये हमारी आज की एक घंटे की या सवा घंटे की क्लास रहेगी तो आई होप आप बोर नहीं होगे क्लास में जितना लिखोगे उतना इजी रहेगा है ना तो हो गया तुगलक डायनेस्टी हो गया आपका थर्ड वी हैव दी फोर्थ फोर्थ वन वन आपकी आ जाती है सैयद डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी फोर्टीन फोर्टीन -14 से फोर्टीन फिफ्टी वन सी ठीक है ये हो गया सैयद डायनेस्टी एंड हियर हेयर लास्ट वन देन वी है मुगल एम्पायर उसके बाद तो मुगल एम्पायर गया था और डायनेस्टीज खत्म हो गई थी डायनेस्टीज मतलब ये जो छोटे छोटे किंगडम्स थे ना ये खत्म हो गए थे फिर एक प्रॉपर आ गया था जो सेंट्रली एडमिनिस्टर कर रहा था पूरे इंडिया को ठीक है अब ये छोटे छोटे पार्ट में रूलिंग हो रही है ठीक है छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए कुछ कुछ डायनेस्टीज आ रही है रूल कर रही है कोई एक पक्का किंग नहीं है जो डेली को रूल कर रहा हो या इंडिया को रूल कर रहा हो ओके सो दीज वर दाइव डिफरेंट डायनेस्टीज प्लीज मुझे बताओ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ आ गया फर्स्ट वी हैव S Slave Dynasty, Dynasty, then we have K khalji dynasty. then we have T Tughlaq Dynasty, then we have S Sayyid Dynasty and then L. अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो uh, मैम मैंने ट्रिक अभिषेक इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो शाहरुख खान हो गया ठीक है शाहरुख के बाद आ जाता है कक का किरण ठीक है समझ आ रही है बात? शाहरुख के बाद आ जाता है कक का किरण तो फिर आ गया शाहरुख है तो सलमान तो आएगा ही तो एकता टाइगर का टाइगर आ गया ठीक है उसके बाद टाइगर से आता है या सलमान सलमान खान ठीक है और फिर एल से आप बताओ क्या इंटरेस्टिंग नाम बता बना सकते हो क्रिएटिव बनो देखो हम शाहरुख और सलमान की बात कर रहे हैं तो एल से आप क्या इंटरेस्टिंग नाम बना सकते हो जल्दी से बताओ अरे ये तो देखो गोपी ने कितना अच्छा लाडला यस अभिषेक वेरी गुड गोपी ने देखो कितना अच्छा यू नो नाम बनाया शाहरुख काजोल टुगेदर सिंग लव सॉन्ग ठीक है बड़ा अच्छा नाम हो गया ठीक है तो इसको लिख लो याद रहेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर शाहरुख काजोल टुगेदर टुगेदर सिंग लव सॉन्ग है ना अब याद रहेगा डायनेस्टीज देखो कितना इंटरेस्टिंग बना दिया गोपी वेरी मच यू नो आई एम ग्रेटफुल टू यू फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ईजी इसको बना दिया ठीक है तो इस चीज को आप ऐसे याद रख लो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हो गया इसका तो अब तो डरने वाली बात नहीं है इट इज ऑल अबाउट ऑलवेज रिमेम्बर में चाबी होनी चाहिए बस आपको कोई 99% 100% नहीं लेकर आना कोई 99% की रेस नहीं है यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है ठीक है कि ट्वेल्थ में इतने लाओ अब तो वो भी खत्म हो रहा है खैर एंट्रेंस टेस्ट आ गया है ठीक है तो ऑलवेज रिमेंबर प्रस इज द डोर जिसमें आपको लात मुक्के के घुसे नहीं मारने आपको क्या करना है आपको बस चाबी घुसानी है अनलॉक करना है और घुस जाना है

कुतुब उद्दीन एबक ये हमारे भाई साहब हैं कुतुबुद्दीन एबक ओके एंड इट इज सेड दैट ही फाउंडेड दी स्लेव डायनेस्टी इन्होंने स्लेव डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की थी एंड स्लेव डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज दी मामलुक डायनेस्टी तो क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा मैं अगेन आपको लिंक दे देती हूँ टेलीग्राम चैनल का ताकि आप उसको और ज्वाइन कर लो और आपको क्लास के पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिल जाए ठीक है यू कैन क्लिक ऑन दिस टेलीग्राम लिंक एंड ज्वाइन ठीक है आई एम गिविंग यू द टाइम इस पे क्लिक करके अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज दी फाउंडर ये फाउंडर हो गए स्लेव डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज मामलुक डायनेस्टी एंड इट इज सेड दैट ही इज आल्सो कंसीडर्ड ही इज राइट डाउन आल्सो कंसीडर्ड एज रियल फाउंडर अभिषेक टेलीग्राम पे मिलेगा कल की भी क्लास का पीडीएफ ना टेलीग्राम पे अपलोड हो गया था कल ही ठीक है तो आप वहां पर जाके फटाफट से डाउनलोड कर लो मुस्लिम रूल इन इंडिया तो ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ स्लेव डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट नहीं की बल्कि ये मुस्लिम रूल इंडिया में जो भारत में मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ उसके भी रियल फाउंडर और स्टैब्लिशर

एट्टी परसेंट रिपीट होते हैं एट्टी परसेंट इट्स नंबर ओके सो ही राइट इट डाउन फाउंडेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट द फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम टर्किश किंगडम इन इंडिया एंड ही दिस इज एंड ही अज्यूम्ड एंड एंडूम्ड दी टाइटल ऑफ सुल्तान तो इन्होंने अपने आप को सुल्तान का टाइटल दिया ठीक है पहला टर्किश इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम इन्होंने इंडिया में किया ये आए थे मंगोल एरिया से ठीक है यहाँ पर ये स्लेव थे दैट इज इज नोन स्लेव डायनेस्टी क्योंकि ये एक्चुअली में स्लेव थे बट ही केम टू इंडिया एंड स्टैब्लिश्ड हिज एम्पायर इन इंडिया टर्किश किंगडम इंडिपेंडेंट अपने बेसिस पे किसी के स्लेव नहीं थे That is why we call it a slave dynasty because the founder was once a slave. जो founder था इस dynasty का वो एक time पे एक slave था किसी और kingdom का ठीक है यहाँ आके वो राजा बन गया तो he gave himself the title of sultan. इन्होंने अपने आप को मतलब you know he wanted to forget his past की मैं slave घर आने से आया हूँ मैं you know किसी का नौकर कभी रहा हूँ वो उस चीज को भूलना चाहते थे तो he gave himself the title of sultan. अपने आप को sultan का title दे दिया ठीक है And it is said कि

ओके आप पैसे देते हो ना वन लाख टू लाख सो लाख लाख का मतलब वो होता है बक्श मींस व्हेन यू आर अ गिवर ठीक है बख्शीश दे रहे हो व्हेन यू आर इनटू चैरिटी सो इट इज सेड ही यूज्ड टू ही वाज वेरी लिबरल इन डोनेशंस डोनेशन देने में काफी लिबरल थे ये काफी खुले दिल से डोनेशन देते थे सो ही इज नोन एज द गिवर ऑफ लाख्स बिकॉज़ ही यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ लिबरल डोनेशन

Uh, uh, you know, उन्होंने स्टार्ट किया था नॉट कंप्लीटेड ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब डाउन ही में आप देखते हो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियारूफी सेंट हुजा कुतुबुद्दीन बख्तियार बख्तियार काकी दिस द नेम ऑफ द सेंट सेंट सूफी saint. उनको डेडिकेट करने के लिए उन्होंने कुतुब मीनार स्टार्ट करवाया था कंस्ट्रक्शन बट इट वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय कुतुबुद्दीन है बक रिमेंबर इट इस पॉइंट को याद रखना दिस वॉज फिनिश्ड बाय दिस कंस्ट्रक्शन वॉज फिनिश्ड बाय इलतुतमिश ठीक है इलतुतमिश तो ये पॉइंट याद रखना आप लोग ऑल राइट right. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज़ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं देन वी हैव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ठीक है और ये कौन है हमारे ये हैं हमारे शमशुद्दीन इल्तुतमिश ये हो गया आई एल टी इल्तुतमिश ठीक है तो ये हमारे नेक्स्ट इसी स्लेव डायनेस्टी के किंग शमशुद्दीन इल्तुतमिश जिनका जो टाइम पीरियड है वो है 1210 से 1236 का पीरियड

तो हिज ट्राइब वॉज अब मैं ट्राइब क्यों इनका मैंशन कर रही हूं बिकॉज पूछा गया है ठीक है में काफी बार हिज ट्राइब वॉर्ज राइटेड डाउन इलबारी ट्राइब ये जिस ट्राइब से आते थे वो इलबारी ट्राइब था इसीलिए स्लेव डायनेस्टी को हम कभी कभी अलबारी डायनेस्टी भी बोलते हैं रूल करना स्टार्ट किया तो स्लेव डायनेस्टी को हिस्टोरियंस इलबारी ट्राइब के नामस्टी के नाम से भी जानने लगे थे बट दैट आफ्टर इल्तुत रूलिंग एंड इट इज सेड दैट ही वॉज द रियल कंसोलीडेटर ही वॉज द रियल कंसॉलीडेटर ऑफ द टर्किश रूल ऑफ द टर्किश रूल इन इंडिया तो बेसिकली क़ुतुबुद्दीन एबक ही स्टार्टेड दर्किश रूल बट रियल इन कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली तो इनके रूल में कैपिटल क्या हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया क्या हो गया दिल्ली हो गया जहां से रूल कर रहे थे राजा लोग जहां से इन्होंने रूल करना शुरू किया ओके यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज

दे, दे, जो आपकी दिल्ली सल्तनत है पूरी दिल्ली सल्तनत में पांचों की डाइन पांचों की पांचों डायनेस्टीज सिल्वर कॉइन बड़े यूज करते थे ठीक है तो मिडिवल इंडिया में स्टैंडर्ड कॉइन आपका सिल्वर टंका या सिल्वर कॉइन हो गया था ठीक है

That is why he nominated Razia Sultan, who was his daughter. ठीक है जो इनकी बेटी थी who was his daughter as his successor, अपनी successor यानी कि मेरे बाद ये rule करेंगी ठीक है सो बेसिकली वॉज वेरी फॉरवर्ड लुकिंग काफी ज्यादा आगे की सोचने वाले थे बट ही वॉज फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड थिंकिंग बट द मिनिस्टर्स इन कोर्ट वर नॉट द सन्स वर नॉट हैप्पी जो इनके बेटे थे वो खुश नहीं थे जो मिनिस्टर्स थे मंत्री थे इनके कोर्ट में वो खुश नहीं थे दे वर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन की हाउ कैन अ वुमेन रूल राइट एंड हेयर वी गेट रजिया सुल्तान तो इनका जो टाइम पीरियड था रूल करने का वो बहुत कमी कम का था यू uh, नो you know, चार साल ही इन्होंने रूल किया था Okay. So it is said ki Razia Sultan was the first and only female Muslim ruler. And this word only is thought as a heartbreaking. Theke? Muslim ruler of medieval India. Of we are talking about medieval India, not modern Indian history, medieval India. तो मिडिवल इंडिया में फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर कौन थी हमारी रज़िया सुल्तान थी एंड आई डोंट नो इफ दैट सीरियल इमेजिन सुल्तान के ऊपर आई ओपनिंग सीरियल था काफी सारी चीजें उसमें डिस्कस की गई थी ना वेन वी टॉक अबाउट रजिया सुल्तान द फर्स्ट थिंग राइट इड डाउन शी डिस्कार बुरका पहना करती थी महिलाएं ठीक है अपने आप को पूरा फेस को कवर करके रखती थी शी एवरीथिंग विद ओपन फेस नो पर्दा सिस्टम शी डिड नॉट फॉलो एनी पर्दा सिस्टम बिकॉज शी सेड इफ आई वांट टू रूल इफ आई एम गोइंग टू रूल आई हैव टू बी इक्वल जितने आद, जैसे आदमी है वैसे ही मैं हूँ ठीक है वो भी इंसान है मैं भी इंसान हूँ तो ये क्यों क्योंकि मैं अपना चेहरा छुपाउ एंड इफ द किंग हैज टू हाइड इज और फीमेल एपेर तो बिल्कुल सोल्जर्स की तरह रेडी होती थी बिल्कुल जो मेल सोल्जर्स है उनकी तरह कपड़े पहनती थी पूरा अपने आप को रखने का तरीका आदमियों जैसा इन्होंने बना लिया था तो फिट इन इन द क्राउड ठीक है ताकि लोग उनको एक्सेप्ट करें जो मिनिस्टर्स हैं कोर्ट के

रेबिलियन आउट इन कोर्ट ऑफ लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट इवन हर ओन ब्रदर्स जो सगे भाई थे उन्होंने भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया शी वॉज इम्प्रेजेंट इनको इम्प्रेजेंट कर दिया गया एंड शी वॉज इन लव विद सोल्जर इन इन ओन आर्मी अपने ही आर्मी में एक सोल्जर थे जिनसे जिन इनको प्यार हो गया था दैट सोल्जर किल्ड उनको भी मार दिया गया इनको जेल में डाल दिया गया ठीक है बिकॉज ऑफ ऑफ द द नोबल्स एंड एंड हर ओन ब्रदर्स लेटर देन शी वॉज रिटर्निंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट जब वो इम्प्रेजेंट किया गया था फिर उनको छोड़ दिया गया वापस आ रही थी तो रास्ते में शी वॉज किल्ड ऑन हर वे टू डेली जब डेली वापस आ रही थी तो इनको मार दिया गया तो शी वॉज किल्ड में ठीक है तो दैट वॉजुनेट एंडिंग ऑफ रजिया रजिया सुल्तान सुल्तान नाउ आफ्टर वी हैव बलबन अब रजिया सुल्तान के बाद हमारे पास आते हैं बलबन बलबन का एक और नाम है जो प्रिलिम्स में पूछा गया है एनीबडी इन द कॉमेंट सेक्शन हु कैन टेल मी लेट्स से हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सो फार बलबन का एक नाम है जो कि प्रिलिम्स में पूछा गया था इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अ नेम वाज गिव वाज आस्क्ड कि बलबन इज आल्सो नोन एज So that name is, I hope, I guess आपको नहीं पता वो नाम है उलुग खान दलुग खानैट इज ऑल्सो द नेम अदर नेम ऑफ बलबन ठीक है एंड इट इज सेट राइट इट डाउन ही इज दर्किटेक्ट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रिल्स दिन आर्किटेक्ट ऑफ डेली सल्तनत पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड दिल्ली सल्तनत के मेन आर्किटेक्ट बलबन को माना जाता है इस टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1266 टू 1287 तो 20 साल के करीब इन्होंने रूल किया ठीक है एंड अकॉर्डिंग टू हिम राइट इट डाउन अकॉर्डिंग टू हिम सुल्तान वाज गॉड्स शैडो तो ये मानते थे ऐसा कि सुल्तान कौन है भगवान की परछाई ओके ऑन अर्थ ऑन अर्थ एंड दिस इज अनदर नेम गिटिकुलर टर्म इसको एक नाम दिया जाता है विच इज नोन है जिल ए इ ठीक है तो ये पॉइंट आप याद रखियेगा प्रम्स के लिए इम्पोर्टेंट है दे विल गिव यू आस्क यू द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स ओके so sultan was known as zille ilahi zille ilahi means god's shadow on earth ye point aap yaad rakhiyega ye first important term main aapko padha rahi hu yahan par different type of terms we are going to study in delhi sultanate period and mughal empire ye first hai unme se zille ilahi means god's shadow on earth and sultan is known as zille ilahi and sultan is also known as write it down he was also known as the recipient the recipient of divine grace matlab jo डिवाइन ग्रेस है डिवाइन ब्लेसिंग है भगवान की जो ब्लेसिंग है वो किसको मिलती है सुल्तान को मिलती है द अदर टर्म इज नोन एज राइटेड टाउन एक खुदाई, ठीक है दिस इज द टर्म दिस मीन्स द रेसिपी ऑफ डिवाइन ग्रेस वो जिसको ईश्वर का ब्लेसिंग ईश्वर का आशीर्वाद मिला हो उसको हम बोलते हैं निबायाबत ए खुदाही तो सुल्तान को निबाया खुदाही भी बोलते हैं जिले इलाही भी बोलते हैं है उलूक खान उलूक खान ने ये कॉन्सेप्ट हमको दिया था कि सुल्तान इज ऑल्सो नून एज निबत ए खुदाही एंड जिले इलाही ठीक है एंड इट इज ऑल्सो सेट यहाँ पर एक और पॉइंट है कि ही इंट्रोड्यूस्ड की इंट्रोड्यूस्ड राइट इट डाउन दी परशियन फेस्टिवल दर्शियन फेस्टिवल विच इज नोन एज नवरोज तो आर्ट एंड कल्चर में हम ये फेस्टिवल्स भी पढ़ने वाले हैं नवरोज का जो पर्शियन का फेस, पर्शियन फेस्टिवल है पारसी फेस्टिवल है उस नवरोज उसको इंट्रोड्यूस इंडिया में उलूक खान ने ही करवाया था एंड दर इज वन अनादर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट प्लीज लेट मी नो इफ यू है

मीनिंग ऑफ इट इज राइट एट डाउन कैलिट हैंड मैन अब आपने मॉडर्न हिस्ट्री में कैलिपेट मूवमेंट पढ़ा होगा खलीफा मूवमेंट कैलिफ का मतलब क्या होता है मुस्लिम के स्पिरिचुअल गुरु मुस्लिम्स स्पिरिचुअल गुरु इज नोन एज अ स्पिरिचुअल टीचर इज नोन एज कैलिफ मुस्लिम्स में जो उनका स्पिरिचुअल टीचर होता है उसको वो खलीफा या कैलिफ बोलते हैं कैलिफ कैलिफ और खलीफा ठीक है सो ही यूज टू कॉल हिमसेल्फ की आई एम द राइट हैंड मैन ऑफ द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स सभी मुस्लिम्स के जो स्पिरिचुअल टीचर है मैं उनका सीधा हाथ हूँ बेसिकली so वो अपने आप को यू नो गॉड का इनकांडीशन ही बता रहे थे कि आई एम जस्ट अनदर ब्लेसिंग एंड यू नो डिवाइन इन अनदर फॉर्म ठीक है यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को सो दीज आर द्री टर्म्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर फॉर प्रिलिम्स जो प्रिलिम्स के लिए आपको यहाँ पर याद रखनी है मूविंग अहेड अब हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं ड्यूरिंग हिस टाइम उलूक खान के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ठीक है तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि ही सेपरेटेड ही सेपरेटेड राइट इट डाउन दीवान ए विजारत नाउ दिवान ए विजारत अनदर इंपॉर्टेंट टर्म आई एम अंडरलाइनिंग इट विच मीन्स फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट ठीक है जिसको मैं अंडरलाइन हाईलाइट कर रही हूँ वो प्रेलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं फ्रॉम फ्रॉम द दिवान ए अर्ज दिवान ए अर्ज दिवान ए अर्ज मीन्स द मिलिट्री डिपार्टमेंट

तो उसको हम कहते हैं कि यू आर पेइंग योर रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन ठीक है फर्स्ट दिस एंड सेकेंड इज सेकेंड इन्होंने जो इंट्रोडक्शन करवाया था वो था पाइबोस इज पाइबोस जब आप सुल्तान के चरणों को चूम रहे हो किसिंग तो दीज टू यू नो काइंड ऑफ जेस्टर्स ही इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इज से ज्यादा प्रोस्ट्रेशन इस तरीके से पाइबोस इज वेन यू किस द फीट ऑफ सुल्तान वाई ही इंट्रोड्यूस दीज टू थिंग्स लेट मी नो क्यों इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने ये दो एक्शंस जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में अब तो क्लियर हो गया है नाउ इट इज क्लियर लेट मी नो इन द चैट सेक्शन व्हाई डिड ही डू दिस काइंड ऑफ एक्ट जल्दी से टैप टाइप करके मुझे फटाफट से समझाओ आर्बिट्रेरी इज अ रॉन्ग वर्ड अभिषेक उसका तो मीनिंग ही डिफरेंट हो जाता है बेसिक यू नो रीजन वॉज इसका बेसिक रीजन क्या था टू प्रूव हिज सुपीटी ओवर द नोबल्स अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए ठीक है एक वर्ड यूज करना था सुपीरियोरिटी दैट्स इट अपने आपको सुपीरियर साबित करने के लिए कि मैं आप सबसे बड़ा हूँ मैं सब मिनिस्टर्स और सभी बाकी जितने भी दीवान है जितने भी ऑफिसर है सबसे बड़ा हूँ सबसे ऊपर हूँ तो दैट इज वाई इंट्रोड्यूसा एन पाई बोस ठीक है पॉइंट क्लियर हो गया आर्बिट्रेरी नहीं अभिषेक uh, okay? right. तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जिन्होंने जस्ट अभी लेक्चर को ज्वाइन किया है ठीक है तो हमारा आर्ट एंड कल्चर का बैच है जो स्टार्ट हो रहा है अप्रैल यानी कि कल से नौ बजे रात को होगा ये क्लास छह दिन के बैच होगा ये जिसके अंदर हम रोज नाइन्टी मिनट्स के लेक्चर लेंगे आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करेंगे एंड इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको अन अकेडमी का अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना आपको जो लिंक मैंने चैट सेक्शन में टॉप पे दिया है उस उसपे क्लिक करके सेपरेट बैच है जो सिर्फ मेरे ब्रांड के अंदर अर्पिता शर्मा क्लासेस के अंदर लॉन्च हुआ है अन अकेडमी पर द प्राइस इज जस्ट रुपीज वन नाइन्टी नाइन जिसपे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग कोड अर्पिता टेन

हम लास्ट फाइव इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे करेंट अफेयर वेबसाइट तमिलनाडु स्टेट बुट बुक्स क्लास इलेवन आपको कहीं से आर्ट एंड कल्चर सेपरेटली पढ़ने okay? also, 2024, book, book, की जरूरत नहीं होगी ओके एंड आल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 24 आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू बाय दिस बुक ओसवाल बुक 28 एट ईयर यूपीएससी की बुक जो पीडीएफ मैंने इसका लिंक दिया है इस लिंक से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा दैट इज वाई दिस लिंक आई हैव प्रोवाइडेड ओके तो लेट्स गेट स्टार्टेड चलो शुरू करते हैं टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक दे दूंगी वैसे तो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डायनेस्टी जिसके ऊपर एक बहुत फेमस मूवी भी आई है विच इज द खलजी डायनेस्टी और खलजी सल्तनत ठीक है नाउ खलजी सल्तनत वन टू नाइन जीरो से थर्टीन ट्वेंटी एडी ये है आपका खलजी सल्तनत आप देख सकते हो टाइम पीरियड काफी लंबा है है ना एंड हियर दलजी नोबेल्स हेडेड बाय जलालुद्दीन जलालुद्दीन ने बलबन को ओवर्ट्रो, ओवर्ट्रो किया था, जलालुद्दीन खलजी, जलालुद्दीन खलजी वॉट ही डिड ही ओवर थ्रू ही ओवर थ्रू बलबन उलुग खान जो हमने पढ़ा है इन विच इयर इन ट्वेल्व नाइनटी एंड ही दिस खलजी सल्तनत

इट इज दैन जलालुद्दीन खलजी की ओवर थ्रू एंडीटेड कम्पलीटली बलबन दैट इज उलूक खान जो उस टाइम के काफी फेमस uh, राजा माने जाते थे ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जलालुद्दीन खलजी अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जलाउद्दीन खलजी के बारे में अब सबने पदमावत मूवी देखी है लेट मी नो देखी नहीं है तो पढ़ी तो होगी क्योंकि टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में uh, के लिए बच्चों ने इस मूवी के बारे में काफी पढ़ा था है ना तो जलालुद्दीन खलजी वी हैव इट्स टाइम पीरियड फ्रॉम टाइनटी टू टाइन्टी बूढ़े थे ठीक है तो ये टाइम पीरियड रहा है इनका छह साल के करीब इन्होंने रूल किया एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ डेली सल्तनत डेली सल्तनत इट इज सेट की मेजरली स्टार्टेड फ्रॉम हिज रूल ओनली उससे पहले तो छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए किंग्स आ रहे थे डायनेस्टीज थी बट मेजर पार्ट ऑफ डेली सल्तनत द रियल डेली सल्तनत स्टार्टेड फ्रॉम जलाउद्दीन खलजी ओनली

ठीक है आदित्य आप क्लास में थोड़ा सा ध्यान दोगे पेशेंटली तो आप देखोगे पहले मैं इंग्लिश में बताती हूँ उसी सेंटेंस को मैं हिंदी में रिपीट करती हूँ ठीक है तो इसलिए एक बार पेशेंटली पांच मिनट के लिए क्लास में देखो कि कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है फिर आपको पता चलेगा हिंदी भी यूज हो रही है डोंट वरी ठीक है तो जलाउद्दीन खलजी पहले सल्तान थे जो जो डेली सल्तनत को जिन्होंने स्टैब्लिश किया इंडिया में उससे पहले तो छोटी छोटी डायनेस्टीज आ रही थी जो हमने अभी पढ़ ली है कहा जाता है इनका हिंदूज के प्रति एटीट्यूड बेनेबुलेंट था काइंड था कम्पैशनेट था बट ऐसा भी कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये काफी ओपन माइंडेड इंसान थे काफी खुले विचारों के इंसान थे क्योंकि ये कहते थे जिसको हम गवर्न कर रहे हैं यानी कि सिटीजन उनके सपोर्ट पे राज्य को बसाना चाहिए अपने मन की नहीं चलानी चाहिए जिसको गवर्न कर रहे हैं जिसके लिए किंगडम बनाया है जिसके लिए हम राजा बने हैं उनकी भी सुननी चाहिए सो ही अडोप्टेड ही अडोप्टेड दॉलिसी ऑफ टॉलरेंस देर इज वन मोर किंग इन मुगल एम्पायर पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एक तो अकबर हो जाते हैं एंड एक हो जाते हैं बहादुर शाह वन ठीक है नॉट बहादुर शाह जफर बहादुर शाह वन औरंगजेब के बेटे जो रूल करने आए थे बाद में ठीक है तो ये हो गए बहादुर शाह वन और अकबर हो गए या शाह आलम वन उन्होंने भी टॉलरेंस की पॉलिसी यानी कि सब मिल मिलजुल कर रहो टॉलरेंस के साथ रहो ये नहीं कि भाई अपना ही धर्म सबसे ऊपर है ऐसा नहीं

ठीक है बट इट इफ यू लॉ अपने ही दामाद ने मार दिया अलाउद्दीन खलजी अलाउद्दीन खलजी मर्डर्ड हिम बाय बिकॉज ही वॉन्टेड टू रूल इन दिस प्लेस जीते जी तो वो राजा बनने नहीं दे रहे थे किसी को तो उनके थ्रोन को गद्दी को छीनने के लिए उन्होंने अलाउद्दीन खलजी ने जलाउद्दीन खलजी को मरवा डाला ठीक है अलाउद्दीन खलजी नेफ्यू ही हिज नेफ्यू बट उस टाइम पर ये होता था कि शादी कर लेते थे आपस में मुस्लिम्स में आपको पता है मुस्लिम ऐसे होता है तो अलाउद्दीन खलजी मैरिड हिज डॉटर एंड देन लेटर ऑन ही मर्डर्ड हिज ओन फादर इन लॉ ठीक है तो यहाँ खत्म हो जाती है स्टोरी जलाउद्दीन खलजी की एंड देन वी हैव दू नो विलन ऑफ पदमावत मूवी उद्दीन खलजी ठीक है सॉरी अलाउद्दीन खलजी तो यह हमारे मेन आ जाते हैं अलाउद्दीन खलजी बट इट इज सेन से इनका दिमाग और सौ कदम आगे दौड़ता था तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम इनकी बुराई नहीं कर सकते काफी डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बनाया था ठीक है तो वैसे तो इतने कोई खास अच्छे इंसान थे नहीं ये ट्वेल्व नाइनटी सिक्स से थर्टीन सिक्सटीन सीई ये इनका टाइम पीरियड रहता है ठीक है और हमको तो प्रिलिम्स के मतलब से इनको पढ़ना है तो हम लिमिटेड ही इसमें पढ़ाई करेंगे ठीक है? है ये विलन आदित्य अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है ना तो आपको पता होगा इनके बारे में सब कुछ किस तरीके के इंसान थे टर्म आ गया अभी तक हम सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख रहे हैं ना एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ गया मास्टर ऑफ सेरेमनीज यानी कि राज्य में जितने भी सेरेमनीज होंगी किसी की शादी हो रही है ठीक है सामूहिक विवाह हो रहा है या फिर कोई बड़ी पूजा हो रही है या कोई भी बड़ा कोई ओकेशन है जिसमें कोई सेरेमनी परफॉर्म हो रही है उसका मास्टर उसका हेड किसकी परमिशन से वो होगा आमिर ए तुजुक के परमिशन से होगा ठीक है तो ही वॉज अपॉइंटेड एज आमिर तुजुक एंड ऑल्सो बाय जलाउदीन खल एंड ऑल्सो एज आरिस ए मुमालिक

पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस जो कि इनके ससुर ने लगाई थी बिकॉज ही वॉज नॉट टॉलरेंट टुवर्ड्स एनी अदर रिलीजन ठीक है तो ही रिवर्सिस दॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड ही अवॉर्डेड हार्श पनिशमेंट्स अवॉर्डेड इनके ऊपर क्वेश्चन ट्वेंटी सेवेंटीन में एंड एटीन में प्रिलिम्स में आया है तो इनके ऊपर जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है दो बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन हार्श पनिशमेंट तब से अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा है तो चांसेस कि पूछा जा सकता है टू टू ऑल ऑल हु हिम जो भी इनको अपोज करता था ये उसको बहुत हार्श पनिशमेंट यू नो प्रोवाइड करते थे नाउ इट इज ऑल्सो सेड कि टू कीप होल्ड ऑन हिज मिनिस्टर्स अपने मिनिस्टर्स को अपने काबू में डिसिप्लिन में रखने के लिए He prohibited. That is put a stop. Prohibited मतलब किसी चीज को करने से मना कर देना He prohibited to hold festivals. क्योंकि तो फेस्टिवल्स होंगे तो लोग फेस्टिवल्स में टाइम खराब होता है ठीक है प्लस इंटॉक्सिकेशन होती है मदीरा मदीरा पान वगैरह होता है इनडिसिप्लिन आता है तो ये बोलते थे कि, कि किसी तरीके का फेस्टिवल नहीं टाइम वेस्ट ही नहीं करना रोज हाजिरी बजानी है कोर्ट में आकर मेरी सभा में आकर तो ही प्रोहिबिटेड टू तो होल्ड एनी फेस्टिवल्स प्लस इनको ये भी डर था शकी इंसान थे

तो so, कोई फेस्टिवल नहीं चुपचाप रोज कोर्ट में मेरे सामने हाजिरी लगाओ ओके सो ही प्रोहिबिटेड टू होल्ड फेस्टिवल्स और टू होल्ड मैरिज फंक्शन विदाउट राइट इट डाउन विदाउट द परमिशन ऑफ विदाउट दर्मिशन ऑफ हिम ही बैंड ही बैंड वाइन्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स तो इन्होंने शराब वगैरह भी किसी भी तरीके का ड्रग वगैरह सब बैन लगा दिया सब पर कि कोई भी ये वाइन और इंटॉक्सिकेंट का यूज मेरे ऊपर ना करे है ना और कोई मेरे मिनिस्टर्स पे करके उनसे कोई इंफॉर्मेशन ना निकलवा ले उनको शराब पिलाकर नशे में जुमा दिया और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ऐसा भी ना हो आप देख रहे हो जो इंसान खुद गलत करके बैठा होता है उसको हमेशा डर रहता है वो कभी कभीफाइड नहीं होता लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही समझाया था कि जब हम करप्ट होते हैं ना तो हम कभी चैन की नींद सो नहीं सकते रात को भले ही हम काफी पैसा कमा ले करोड़ों की इनकम कर ले बट रात को नींद नहीं आएगी आपको क्योंकि आपको पता होगा मैंने किसी के साथ किया है तो कोई और भी इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ कर सकता है इतना दिमाग कोई और भी चला सकता है जितना मैं चला रहा हूँ तो इसीलिए इट इज दैट इज वाइट ऑलवेज बी काइंड एंड वॉक ऑन द स्ट्रेट पाथ इफ यू वॉन्ट टू स्लीप नाइसली एट यू नो एट नाइट ओके सो दीज वॉइंट इज कीगेनाइज रीऑर्गेनाइज स्पाई सर्विसेस स्पाइस सर्विसेस विच इज नोन एज बारी देखो एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ गया जो आपको याद करना है प्रिलिम्स के लिए बारीद मतलब स्पाई सर्विसेज जासूस इन्होंने जासूसी सर्विसेज को रीऑर्गेनाइज कर दिया सब कुछ इनके कंट्रोल में था जलालुद्दीन खलजी के टाइम पर इनके जलालुद्दीन खलजी के अंडर स्पाइज नहीं थे मिनिस्टर्स के अंडर थे इसलिए वो बेचारे मारे गए बट यहां पर स्पाई सर्विसेज डायरेक्टली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन खलजी सो दैट ही कैन नो वट इज गोइंग ऑन बिहाइंड बैक अपने पीठ पीछे क्या हो रहा है सबकी खबर रख सकते थे ये ओके यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया ओके ना वो आगे बढ़ते हैं

तो बारानी नाम के जो राइटर इनके कोर्ट में बैठा करते थे उन्होंने इनके लाइफ के ऊपर इनके एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था ये के लिए है। याद रखना है किस राजा के ऊपर ये बुक लिखी गई थी इट वॉज अलाउद्दीन खलजी ओके एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ही वॉज हीटेड हुटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स तो ये पहले राजा थे ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने पॉलिटिक्स से रिलीजन यानी कि धर्म को सेपरेट किया ही सेट कि धर्म और पॉलिटिक्स साथ में नहीं चल सकते उनको सेपरेट रखना ही पड़ेगा अगर आपको सही पॉलिसीज बनानी है ठीक है एंड इन्होंने काफी फेमस लाइन डायलॉग दी थी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ही उज टू से दैट किंगशिप नोज नोज नो किनशिप किनशिप मतलब भाईचारा रिश्तेदारी किन का मतलब क्या होता है आपका रिश्तेदार किनशिप मतलब राज करना ठीक है तो अगर आपको राज करना है तो उसमें भाईचारा इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा अगर आपका सामने बेटा भी आ जाता है जिसने कुछ गलत किया है आप राजा हो आपके बेटे ने कुछ गलत किया है तो आप उसको सेम पनिशमेंट दोगे जो कि एक ऑर्डिनरी इंसान ने गलत किया है उसको दोगे अगर आपका भाई आ जाता है सामने और एक ऑर्डिनरी पर्सन है दोनों ने रेप किया है किसी का आप दोनों को इक्वल पनिशमेंट दोगे ये नहीं बोलोगे कि मेरा भाई है मैं इसे माफ कर देता हूँ नहीं राज दरबार में पॉलिटिक्स में कोई रिश्तेदारी नहीं कोई खून का संबंध नहीं कोई सगा संबंधी नहीं ये इनकी पॉलिसी रहा करती थी दिस इज वन गुड पॉइंट अबाउट हिस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये एक अच्छा एक, एक अच्छा ऐसा पॉइंट है इनके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब आज तक जिसकी तारीफ करते हैं कि दिस वन वाज दी करेक्ट वे ठीक है

बड़े मतलब yes no? you know, बड़, जग कर दिन रात मेहनत करके हमारे बॉर्डर्स को गार्ड कर रहे हैं ठीक है तो वो, अब ये क्या करते थे ये, वो तो हमारे सोल्जर्स है ऐसा नहीं है कि पूरी आर्मी हमने खड़ी कर रखी है बॉर्डर्स पे वी हैव नॉट पुट ऑल आर आर्मी ऑन द बॉर्डर

अगर मैं डिसिप्लिन टाइम टेबल के हिसाब से चलती हूँ अपनी लाइफ में तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी सामने वाला भी ही चलता होगा ये तो नॉर्मल चीज है डिसिप्लिन में रहना टाइम टेबल बनाकर चलना है ना अगर मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं करती तो मुझे लगेगा कोई भी नहीं करता ओके okay? तो यहाँ पर मिलिट्री रिफॉर्म्स में अलाउद्दीन खलजी जानता था कि मैं कैसा हूं मैं कभी भी किसी भी एम्पायर पे अटैक करके बिना कोई वार्निंग दिए उसको जीत लेता हूँ ठीक है तो दैट इज वाई यूज टू हैव अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी ऑन इज बॉर्डर इसलिए वो इस डर में रहते थे कि जैसे मैं दूसरों के साथ करता हूँ दूसरे भी मेरे साथ कर सकते हैं कभी भी अटैक कर सकते हैं तो अपनी पूरी आर्मी को बॉर्डर पे खड़ा रखते थे वो और परमानेंटली आर्मी वहां खड़ी रहती थी ठीक है सो फर्स्ट ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू हैव अ लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी एंड ही पेड इन कैश ठीक है उस आर्मी को कैश में पेमेंट दिया जाती थी उससे पहले जितने भी सुल्तान थे अलाउद्दीन खलजी से पहले दे टू पे देम इन और फ्रॉम दी रॉयल ट्रेजरी कुछ उठाकर दे दिया लैंड्स के फॉर्म में दे दिया कुछ ठीक है पत्ता वगैरह दे दिया बट हेयर पट्टा लैंड का एक पार्ट बट ही टू पे देम इन कैश ये तो रोज के रोज कैश में ही दिया करते थे सामान देन ही इनोवेटेड राइट इट डाउन ही इनोवेटेड टू काइंड ऑफ सिस्टम फर्स्ट वॉज दी चेहरा सिस्टम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे चेहरा सिस्टम Second is known as the DAG system. Now, चेहरा क्या होता है चेहरा सिस्टम वॉज द नंबर ऑफ सोल्जर्स विच वर देअर इन दर्मी ऑफ यू नो अलाउद्दीन खलजी जितने भी सोल्जर्स है टेन थाउजेंड वन लैख टू लैख टेन लैख नो मैटर हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर ंग description, description हर एक को अपना नाम पत्नी का नाम बच्चों का नाम कहाँ रहते हैं क्या हाइट है स्किन कलर क्या है यू uh, नो you know, uh, क्या प्रेफरेंसेज हैं, क्या खाना पसंद करते हैं क्या खाना नहीं पसंद करते क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है सब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अपना अपने खानदान का लिखित में सुल्तान को देना पड़ेगा ठीक है तो बेसिकली वो इतने डरे हुए थे खुद इतनी चालाकी से अपने ससुर को मारा था ना तो इसी डर में रहते थे दिन रात कि कब मेरा भी गेम ऑफ हो जाए ठीक है तो ही यूज्ड टू हैव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर रिटन फॉर्म में कलेक्शन इनके पास रहता था ठीक है जैसे अभी आधार है ना आप लोगों के पास तो इनका भी अपना आधार सिस्टम था चेहरा सिस्टम ओके देन दाग सिस्टम दिस वॉज द्रांडिंग ऑफ हॉर्स तो यू नो ना दै इन इंडिया दो पीरियड मिडिबल पीरियड वी डू नॉट नॉट यूज आर ओन हॉर्सेज एक्सपोर्ट द इम्पोर्ट दॉर्से इम्पोर्ट कराया करते थे अफगानिस्तान से घोड़े वहां के घोड़े काफी सुपर होते थे क्वालिटी में ठीक है तो इवन इन महाभारत आई डोंट नो इफ यू हैव स्टडीड दिस और रेड अबाउट इट बट ऐसा कहा जाता है हु वॉज द मामा जी ऑफ दुर्योधन लेट पी नो शकुनी थे ना कांधार से आए थे कांधार नरेश गांधार नरेश जो थे वहां से अपने साथ सौ 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 के सौ सौ दो सौ तीन सौ घोड़े लेकर आए थे गांधारी की शादी करवाने यहाँ पर तो वहां उस एरिया के अफगानिस्तान गांधार के यू नो you know, एरिया में रीजन में जो घोड़ गोर, हॉर्स थे जो घोड़े थे काफी अच्छी ब्रीड की नस्ल के हुआ करते थे तो दात सिस्टम यूज टू ब्रांड हॉर्सेज की विच हॉर्सेज सुपीरियर विच हॉर्सेज इन्फीरियर ठीक है किसको किस, किस परपज के लिए यूज करना यूज टू ब्रांड द हॉर्सेज यूज टू इम्पोर्ट दो हॉर्सेज फ्रॉम अफगानिस्तान एरिया ठीक है यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को तो प्लीज लेख ले यहाँ तक पॉइंट क्लियर अब नेक्स्ट हम पार्ट थ्री में मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के पार्ट थ्री में तुगलक डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं दिस इज आज तो पार्ट टू हो गया हमारा पार्ट थ्री कल होने वाला है कल हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी के बाद लोरी डायनेस्टी एंड योर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट टू विल बी पार्ट विल बी कम्प्लीट एंड फिर हमारा लास्ट बचेगा मुगल एम्पायर ओके okay? तो so, दो डायनेस्टीज और पढ़नी है हमको एंड देन विल हैव मुगल एम्पायर यहाँ पर एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आई एम देयर ऑन यू टूबो विद द नेम अर्पिता शर्मा यू कैन फॉलो मी ऑन यू ट्यूब ऑल्सो द न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमोरो कल से नौ बजे से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है अगर आपको मेरे फ्री लेक्चर्स की यू नो लाइव लेक्चर्स का लिस्ट चाहिए ठीक है तो उसका अपडेट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देती हूँ जो, जो जी यू you नो know, उसका जो लिंक है वो मैं आपको दे देती हूँ ये लिंक है ठीक है इस पे आप क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक है अर्पिता शर्मा क्लासेस इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्लास पीडीएफ एंड नोट्स ओके सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन प्लस कल से हमारा बैच शुरू हो रहा है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं इट इज जस्ट फॉर रूपीज वन नाइनटी नाइन आपको चैट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा थैंक यू एंड हैव अ अफुल डे अहेड कल का दिन आपका अच्छा हो रिवाइज करते रहिए और सुनिए कोई भी डाउट हो तो ये मेरा ईमेल आईडी है हमारे टीम का ठीक है आप चाहें तो किसी भी वक्त इस ईमेल आईडी पे अपना कोई भी डाउट हो वो भेज सकते हैं और हम उस डाउट को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूपीएससी विद ईज एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ओके तो कोई भी प्रेपरेशन से रिलेटेड मोटिवेशन गाइडेंस मेंटरशिप चाहिए आप इस ईमेल आईडी पे यू you नो know, हमें रीच आउट कर सकते हैं On this note, we are wrapping up the class. Thank you, everyone, for participating. Thank you so much.